नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। गत दिवस जनपद के पुलिस अधीक्षक मिर्जा मंजर बेग साहब द्वारा जनपद में बहुत सारे स्थानांतरण पुलिस महकमे में किए गए हैं। कई थाना और कोतवाली इंचार्ज के चार्ज इधर से उधर हुए हैं। उनमें से एक हमारे कोतवाली मेहरौनी प्रभारी संजय कुमार शुक्ल का स्थानांतरण भी है, जो अब यहाँ से स्थानांतरित होकर पूरा कला का क्षेत्र कार्यभार संभालेंगे। आज कोतवाली परिसर में एक सादगीपूर्ण तरीके से बधाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों, मेहरौनी मीडिया के पत्रकार साथियों और पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानांतरित कोतवाल शुक्ला जी को भावभीनी बधाई दी गई। इस अवसर पर सभी ने उनके 10 माह के कोतवाली मेहरौनी कार्यकाल की भरपूर सराहना की और अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शुक्ला जी ने जब से कार्यभार संभाला, यहाँ पर लोगों को न्याय मिला, फरियादी जो भी आए वो सब यहाँ से संतुष्ट होकर गए और अपने सहकर्मियों के साथ भी एक मिलनसार वातावरण बनाकर कोतवाली की जो पुलिस है उसको मोटिवेट किया और क्षेत्र में न्याय व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण करने का काम किया है। आज इस मौके पर सभी ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए, तिलक अभिनंदन करके, माल्यार्पण करके और विविध वस्त्र इत्यादि भेंट करके उनको बधाई दी है। इस मौके पर बड़े ही भावुक होकर कोतवाली प्रभारी ने भी 10 माह के मेहरौनी में कार्यकाल के लिए सभी के सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया और कहा, यहाँ से मिले प्यार और सम्मान के लिए हमेशा इस क्षेत्र के कृतज्ञ रहेंगे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी शैलेंद्र नायक और सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस विभाग में स्थानांतरण एक प्रक्रिया है और इसके लिए समय सीमा निर्धारित है। इसी के तहत हमारा स्थानांतरण मेहरौनी से पूरा कला हुआ है। हमारे इस 10 माह के कार्यकाल में जो हमारी जनता का, हमारे मीडिया बंधुओं का सहयोग मिला है, उसका हम आभारी हैं और जितना हमको सम्मान मिला है, सहयोग मिला है, उसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को कभी भुला नहीं पाएंगे। और अग्रिम क्रम में भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसे ही जनता की सेवा करता रहूं।